डॉक्टर भदंत ज्ञान रत्न महाथेरा द्वारा कृत या लिखित या वदेन या वदित या विदित गीता टीम 22 में जो धम्म पद के वीडियोस बनते हैं उनमें टाइटल में लिखा होता है भंग बंतु वदेन धम्म पद गीता। इस पर बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी की। राजेश चंद्रा जी एक जाने माने धम्म प्रचारक हैं जो लखनऊ से हैं, उन्होंने फेसबुक की उस टीका टिप्पणी में लिखा, यह आपने धम्मपद गीता क्यों कर दिया, धम्मपद पर्याप्त है, यद्यपि गीता का अर्थ भी गे पद होता है तथापि यह अतिरिक्त लग रहा है। वो कहते हैं कि गीता का मतलब होता है गे पद और धम्मपद के सारे पद गे पद हैं यानी गाए जाते हैं, फिर भी गीता लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, ऐसा उन्होंने अपना अभिप्राय दिया है। दरअसल दिल्ली के अंदर डॉक्टर भदंत ज्ञान रत्न महाथेरा जी एक जाने माने भिक्खु रहे हैं, अब तो नहीं है, हम उनके शिष्य रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अधिकतर कार्यक्रमों में हम उनके साथ आते जाते रहे हैं। उन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट है जो पाली भाषा में की है, जो बुद्ध की भाषा में और बुद्ध की जितने भी साहित्य है उसके तहत की है, वो श्रीलंका से की है। तो एक बार जिक्र ऐसे ही उन्होंने किया और हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो जितना भी धम्मपद है या धम्मपद के अलावा जो और भगवान बुद्ध ने और भिक्खुओं ने जो इकट्ठा किया है ये सब गीतों और गीता है। हमने पूछा गीतों और गीता कैसे है, तो उन्होंने कहा कि पाली के अंदर जैसे एक बुद्ध होता है तो उसको बुद्ध बोलते हैं और अगर बहुत सारे बुद्धों की बात करते हैं तो बुद्धा बोलते हैं, तो ऐसे ही पाली के अंदर अगर एक गीत होता है तो उसको गीतो बोलते हैं और बहुत सारे गीतों का अगर संग्रह होता है तो उसको गीता बोलते हैं। और इस हिसाब से दुनिया की कोई भी किताब जिसमें बहुत सारे गीत लिखे हों उसको गीता कह सकते हैं। अब गीता बहुत सारी होती है, जैसे जो संस्कृत भाषा है यानी संस्कारित भाषा है दुनिया में हजारों हैं, जैसे उर्दू भी संस्कारित भाषा है क्योंकि उसका संस्कार हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको बदला गया है। ऐसे ही जो हिंदी है, हिंदी भी संस्कारित भाषा है, इसको संस्कृत कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पाली 80% पाली है और 20% इसके अंदर फारसी के, इंग्लिश के, संस्कृत भाषा के, बाहर की जो भाषा है उनके शब्द मिले हुए हैं, शब्द मिले हुए हैं, इसलिए ये संस्कृत भाषा है हिंदी भी, और मेन भाषा पाली है यानी पुरानी मगधी या कौशली या अशोकी या धम्म की भाषा या बुद्ध की भाषा, पूरे भारत में वही चलती है, वही बोली जाती है। अब इसका नाम संस्कृत भाषा का नाम हिंदी है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप मान लो किसी किताब में चार गाने लिखते हैं, चार गीत लिखते हैं, तो उसको पाली के हिसाब से गीता बोला जा सकता है। जैसे मैं अगर 20-25-30 गीत किसी में लिख दूं, भदंत ज्ञान रत्नी बता रहे हैं, तो वो जो किताब का नाम होगा वो होगा डॉक्टर भदंत ज्ञान रत्न महाथेरा द्वारा कृत या लिखित या वदेन या वदित या विदित गीता, ऐसा बोला जा सकता है। इसलिए इसको धम्मपद को हमें ऐसा बोलना चाहिए, भंग वंतु वदेन धम्मपद गीता। भंग वंतु वदेन मतलब जैसे भगवान बुद्ध ने भग रासो, भग जो राग है, जो देश है और जो मोह माया है उसको भंग किया है, तो इसमें उनको भंगवान बोलते हैं यानी भंग करने वाले भंगवंतु, और वदेन का मतलब है कि उन्होंने कहा है, उनके द्वारा कहा गया है। और ये गीत जो है इसका मतलब बहुत सारे गीत हैं, गे पद हैं और धम्मपद क्योंकि धम्म के हैं इसलिए धम्मपद इसका नाम है, मगर शॉर्ट में अधिकतर दुनिया के अंदर इसको धम्मपद के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो भंगवंतु वदेन धम्मपद गीता कर सकते हैं, इससे पूरा समझ में आता है कि भगवान बुद्ध ने ये धम्मपद कहे हैं जो गीत के रूप में लिखे गए हैं, गद्य के रूप में नहीं है। मेरा स्पष्टीकरण देना इसलिए अच्छा है क्योंकि धम्म में कोई संशय ना रहे, कोई डाउट ना रहे, डाउट क्लियर होते रहे। आगे आने वाले समय में बहुत सारी किताबों को धम्मपद की या जो भगवान बुद्ध का साहित्य है उसको लोग गीतों या गीता
कहेंगे क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म यही है। धन्यवाद। Dhammam Sarnam Gacchami.